जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप के बारे में, इसको कब कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या क्या बेनिफिट होगा, इसका क्या डोज होगा और उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। और साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान देंगे कि ये जो रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप आप लोग देख रहे हैं, इसको कितने प्रकार के आँखों वाली समस्याओं में उपयोग करना चाहिए या फिर किस उम्र वाले व्यक्ति में इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप को उपयोग करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप आप लोग देख रहे हैं, जो कि एलर्जन कंपनी का आता है और यह काफी ब्रांडेड ड्रॉप है और यह 10 ml का ड्रॉप आता है और यह आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोरों पर आसानी तरीका से मिल जाएगा। मैं बात कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि यह जो रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप आप लोग देख रहे हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट्स यानी कि कंपोजिशन मिक्स किया गया है कार्बोक्सी मिथाल सेल्यूलोज सोडियम IP ड्रॉप, जो कि इसमें 0.5% मिक्स किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मुख्य फायदे के ऊपर, यानी कि इस ड्रॉप के फायदे क्या होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप आप लोग देख रहे हैं, इसके फायदे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। जैसे कि सूखी आँख, जलन वाली आँखों से राहत पाने के लिए इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। सूखी आँख मतलब कि अनेक प्रकार की समस्या, जैसे हवा के कारण, धूप के कारण, या फिर हीटिंग प्रॉब्लम के कारण, या फिर एयर कंडीशनिंग के कारण, या फिर मोबाइल या कंप्यूटर के ज़्यादा उपयोग करने के कारण आँखों में सूखापन की समस्या ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। और कुछ इससे ही संबंधित, जैसे कि आँखों में जलन और आँखों की लालीपन को दूर करने के लिए भी इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। मतलब कि आँखों के अंदर जो चोट लग जाता है किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से अगर आँखों के अंदर चोट लग जाता है तो उसमें इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने का काम करता है यह रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आँखों के लिए इन्फेक्शन को दूर करने से वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं ये रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप। और मैं बता दूं कि आँखों में जलन या फिर आँखों में खुजली जैसी समस्याओं को भी दूर करने के लिए इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप के सावधानी के ऊपर, मतलब कि इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप को अगर मरीज अपने आँख में डाल लें तो क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से उसको सावधानी रखना पड़ेगा, जैसे कि इस ड्रॉप को यूज करने के बाद आपकी दृष्टि अस्थायी रूप से धुंधली हो सकती है। जब तक आप इसे सुरक्षित रूप से नहीं कर सकते तब तक गाड़ी न चलाएं या फिर किसी भी प्रकार के मशीन का उपयोग नहीं करें और कोई ऐसी काम नहीं करें जिसके लिए एक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के ऊपर, इसका डोज आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप का उपयोग 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों में एक बूंद सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम दिखे तो 3 टाइम भी यूज में ला सकते हैं। वही 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों में 2 बूंद सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम दिखे तो 3 टाइम यूज में ला सकते हैं अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार। अगर 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति में आप लोग इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप को 2 बूंद सुबह और शाम डेली यूज में ला सकते हैं या फिर 3 टाइम या फिर 4 टाइम भी यूज में ला सकते हैं उसके ज़रूरत के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के ऊपर, इसके साइड इफेक्ट आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। जैसे कि इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप का आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे उसका कॉमन साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे कि धुंधलापन होना या फिर जलन होना या फिर चुभन टाइप का आँखों में होना जैसी समस्याएँ हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप का उपयोग करने का, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट और इसके डोज के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।